हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं नान खटाई बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल घी लिया है। और आधी बाउल पिसी हुई चीनी इसमें मैं ऐड करूँगी। इसको मैं मिक्सर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी बीटर की हेल्प से। अब मैं छन्नी में एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी बेसन, और 2 चम्मच मैं सूजी इसमें ऐड करूँगी। मैं छान लूँगी इन सबको। मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1/4 टी स्पून इलायची पाउडर पिसा हुआ, सॉरी इलायची पाउडर, इनको भी मैं छान लूँगी। मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा टाइट है, इसमें आप मिल्क ऐड कर सकती हैं, 2-3 चम्मच। ये है मिल्क, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और एक इसका बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। ये मेरा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके ऐसे बीच में थंब से इसको जगह बना करके इसमें ये ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी। इसमें मैंने बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, इसको पतला पतला काट के इसमें लगा दिया है। आप कोई भी घर में जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हो आप उसको लगा लो, जो भी चीज़ें हों। और ये ऐसी नान खट मतलब इसमें नान खटाई वैसे भी बाज़ार की तो बहुत चीज़ें इसमें लगती भी नहीं है, ना कोई इसमें मसाले लगे, कुछ भी नहीं लगा है। आपके पास बेसन सूजी सब घर पे ही रहता है, आप ये सब आसानी से बना सकते हो इस टाइम में। अब मैं इसको बेक कर लूँगी। मैंने इसको प्री हीट में ओवन को कर लिया है। जब वीप सुनाई देगी तो मैं इसको लगा दूँगी, जैसे कि मैंने इसको भी लगा दिया है। 20 मिनट्स के बाद ये तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सब अच्छे हो गए। ये मेरी तैयार हो गई। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।